25-30 साल से रेडियो और टीवियों पर लड़ रहा हूं, क्या वजह है कि हिंदुस्तान में आज तक एक वो सिंपल जो कानून बनना था, जो कि अब ये स्टेटों में कहते हैं हम बनाएंगे, क्यों नहीं बना सके पिछले 8 साल में? नहीं डॉक्टर साहब, देखिए नहीं, पिछले क्यों नहीं? बात मुझे को उसका सीधा पिछले जवाब दीजिए, क्यों नहीं बना नहीं नहीं मैं सके? बता रहा हूँ, पिछले 8 साल में इसलिए नहीं बना पाए कि कोई एक ऐसी मतलब इतना ज्यादा, देखिए गवर्नमेंट के पास ऐसा नहीं है कि केवल एक ही कानून को आप बना दीजिए। अच्छा अब मैं ये बोलूं कि भाई वो तो कानून तो सबसे बहुत सारे इम्पोर्टेंट बने कानून हैं। है, सबसे नहीं इम्पोर्टेंट नहीं कानून है, नंबर पहले ये रखते हैं। आप सीए आप किसकी बात कर रहे हैं, कौन से कानून की बात कर रहे हैं? अरे सिंपल एक सिविल सिविल लॉ कानून। अच्छा सीए वाली बात कर रहे हाँ हैं जी, ना? और क्या? नहीं, ठीक है डॉक्टर साहब, देखिए सीए का कानून, सीए और एनआरसी का आपको और हमको बोलने में लग रहा है कि ये बड़ी सिंपल सी चीज है और ये इंटरनेशनल लेवल की चीजें हैं। आप ये देखिए, जब सीए और एनआरसी की बात हुई थी, कितना बवाल काटा, कितना गदर काटा, सरकार को रोक दिया पूरे देश को वो करने का। भाई यहाँ पे इसका विरोध करने वाले भी और विरोध भी जबरदस्ती करने वाले कि डिरेल करो चीजों को, सीए और एनआरसी को ही लेकर के तो ये शाहीन बाग में धरना और प्रदर्शन हुआ था 1 साल का। वो तो गनीमत है कि मैं सरकार को थैंक्स बोलूंगा कि सरकार इतनी बड़े दिल वाली थी कि एक लाठी नहीं चली थी। बाबा रामदेव ने भी किया था रामलीला मैदान में, और सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने क्या लाठियां बाजी थी वो खबर भी होगी आपके पास। तो सरकार बड़े दिल की थी। अब आप देखिए ना, जहां पे एक, अब ये सरकार का बड़ा दिल यहाँ पे भी है कि सरकार चीजों को होल्ड कर रही है, मान रही है कि हाँ भाई थोड़ा सा ही तबका क्यों ना हो, वो जो है वो भी नाराज ना हो, सबको मिलजुल करके सब आपसी कंसेंसस बन जाए, सहमति बन जाए, फिर किया जाए। ये चीजें हैं। अगर अदरवाइज मैं आपको बताऊं, अगर सरकार, ये स्पेशली बीजेपी सरकार डिक्टेटर मूड में आ जाए तो उखाड़ लिया ना वहां पे कश्मीर में धारा 370, पाकिस्तान और उसमें जो है आपका वो बहुत सारी मुस्लिम ओपेक की 52 कंट्रियां कूदी थी, तुर्की भी बहुत हीरो बन रहा था, क्या कर लिया? जिस दिन सरकार अपने करने पे आ जाएगी, देखिए अभी लखनऊ में जो योगी की सरकार ने किया, इनकाउंटर किया, पैर में गोली मारी उसी लड़के के लिए, तो देखिए ये सरकार का बड़प्पन है जो मैं बोलता हूं कि एक भी लाठी नहीं चली।